नमस्कार। बीसीएन न्यूज के चुनावी महासंग्राम 2024 में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सबको पता है कि चुनाव लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। आज हम आए हैं रामटेक लोकसभा क्षेत्र में और आज हम बातचीत करने वाले हैं यहां के प्रत्याशी राजू पारवीन से, जो कि शिंदे गुट से आते हैं और महायुति के वो उम्मीदवार है। हम सबको पता है रामटेक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिन्होंने देश को प्रधानमंत्री दिए है और इस पर खासकर इस बार सबकी नजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ हलचलें ऐसी हुई कुछ दिनों में, उसके बाद से यहाँ की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप उमरेड़ से विधायक रहे हो, आप रामटेक लोकसभा के अभी प्रत्याशी हो और इतने बड़े क्षेत्र में आपको चुनकर आना है और जिस तरह से आपने अभी अपनी पार्टी छोड़ी है कांग्रेस और शिंदे गुट में गए हैं, ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को और कैसे मतलब जीतने के लिए क्या करोगे? ये रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है, ये छह विधानसभा बिलोंग होती है और जिस पद्धति से मैं जिस दिन से यहाँ प्रचार में लगा हो, हमारे महायुति के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कवाड़ेगढ़, सुलेखाता, ये सारे लोग मिलके इस बार हम एक साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं तो शाश्वत हूँ कि जिस पद्धति से मैं हर गांव में जा रहा हूँ, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों की जनता पे जो मुझे उनका जो फेस दिख रहा है, एक उत्साह का वातावरण सब में है और मुझे लगता है कि इस बार मोदी साहब के नेतृत्व में, हमारे लोकप्रिय पंतप्रधान मोदी साहब के नेतृत्व में ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये इस बार लोगों ने ठहरा चुके हैं कि इस बार जो नारा है 400 पार का, उसमें हमारा रामटेक एक है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी विधानसभा जो चुनाव लड़े थे इस दौरान आपके लोग थे आपके साथ में और प्रत्याशी प्रतिस्पर्धी जो थे विरोधी पार्टी के थे, लेकिन अब जब आप लोकसभा के प्रत्याशी हो आपके ही लोग आपके विरोध में हैं और आप शिंदे गुट में हो, तो किस तरह से रणनीति आपकी ओर से बनाई गई है क्या बताओ? लोगों को मेरे 4.5 साल का काम पता है। यहाँ की विधानसभा में मैंने जो काम किया है, एक आम आदमी के साथ में रखे काम किया है, जमीन में काम किया है, वो कोविड की महामारी हो, उसके बाद में जो विकास काम हो, तो लोगों को पता है मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे काम करने की पद्धति कैसी है। तो कितने भी लोग जो मेरे साथी थे, तो आज बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा ये सब लोग बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति जो पहले थी, एक बार जो मैं अपक्ष लड़ा था उस समय में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे सुधीर पारवी, वो 40,000 मतों से चुन गए थे। दूसरी बार जब मैं लड़ा तो तब भी, यानी पहले 9 में 14 में दोनों समय जो इलेक्शन हुआ वो वन साइड इलेक्शन हुआ था और जब मैं चुनाव लड़ा था तब मैं 19,000 मतों से यहाँ से चुन के आया था। विषय ऐसा है कि जो आप बोल रहे कि सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के, जो पूरे जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगे इलेक्शन के डेट तक के बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में दिखेंगे, क्योंकि मेरे 5 साल में 4.5 साल में मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं था, मेरा सहकारी था, तो मेरे सहकारी मेरे साथ में रहेंगे। और आज भी आप देखोगे कि हर शहर में, कुई हो, उमरेड़ हो, भियापुर हो, यहाँ मेरे लोग पूरे काम कर रहे हैं। और मुझे तो विश्वास है, जिस पद्धति से मुझे शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास डाला, महायुति ने मेरे विश्वास डाला, वो सारे लोग इकट्ठा होके, सारे लोग इकट्ठा होके पूरा जोरों शोरों से काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि एक आम आदमी इस बार रामटेक का इलेक्शन लड़ रहा है, मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो काम करने की पद्धति है, एक आम आदमी होके ही मैं काम करता हूँ और विकास का एजेंडा लेके काम करता हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखें आ गई, उसके बाद नामांकन दर्ज हुए और जो सिलसिला चला, रश्मि बर्वे जो कांग्रेस से यहाँ से प्रत्याशी थे, उनका फॉर्म रद्द होने के बाद उनके पति जो है वो अब यहाँ से लड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, चर्चाएं हैं, सिंपति वोट यहाँ हो सकता है, उन्हें मिल सकता है, तो ऐसे में ये वोटों को आप अपनी तरफ खींचने के लिए या अपनी तरफ बटोरने के लिए किस तरह से रणनीति बना रहे हो? नहीं, जिस समाज से हम लोग आते हैं, दलित समाज को हम बिलोंग करते हैं, मुझे ये लगता है कि ये सभी को पता था कि ये डॉक्यूमेंट ही गलत है, ये सभी को पता था और ये जो वैलिडिटी है वो कैंसिल होने वाली, ये भी पता था। मुझे तो ये पहले पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें सारा गेम करने का, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें गेम करना था इनको। ये बर्वे वगैरह मुझे लगता है ये कुछ दिन बाद समझ में आएंगे कि इनका गेम हो चुका है, अभी समझ में भी आ रहा है उनके। और जिस पद्धति से ये वातावरण बनाया जा रहा है,
हालांकि हम सब संविधान पे चलने, संविधान के ऊपर चलने वाले लोग हैं, इस देश के संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। किसी दूसरी महिला के, दलित हमारी महिला के ऊपर अत्याचार होना, ये भी बराबर नहीं है। ये कोई संविधान उसको मान्यता देता नहीं है। ये पता था कि दूसरे स्टेट के लोगों की वैलिडिटी यहाँ बनती नहीं है। सबको पता है कि अगर कोई दूसरे स्टेट से आता है तो हमारे महाराष्ट्र में उसकी वैलिडिटी नहीं बनती है। तो सादी बात है, आम आदमी को भी पता है कि एक आधा एमपी से कोई आता है तो उसकी वैलिडिटी हमारे स्टेट में बनती नहीं है। और वो अगर आपने गलत बनाई है और वो अगर कैंसिल होती है, उसमें दूसरे का क्या दोष है? ये आप जो दोष डालना चाहते हो, सिंपैथी गेन करना चाहते हो, ये तो सादी बात है। एक आम आदमी को भी समझता है कि जो वैलिडिटी बनती नहीं, उसको गलत ढंग से बनाए आपने, उसको गलत मिसयूज किए आपने, उसका गलत उपयोग किए दो ढाई साल, ये तो सारी चीजें गलत गलत करते आ रहे हो। और अभी बोलना कि आपने हमसे ऐसा अत्याचार हुआ क्योंकि अपना ऐसा चेहरा बनाना, कि ये तो सारी गलत बात है। क्योंकि हमारे एक आधे दूसरी महिला के ऊपर अगर अत्याचार हुआ है तो उसके दोषी ही आप हो। बिल्कुल, तो ये सिंपैथी का राजकारण भी किया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की जनता सब समझती है, हमारे दलित बाधव समझते, किसी के ऊपर अत्याचार करके आप बोलते हो कि हम सही है, ये हमको संविधान ने नहीं पढ़ाया है। संविधान के जो नियम है उसके ऊपर हम सब लोग चलते हैं। तो ये तो आप धोखाधड़ी कर रहे हो और आप ही बोल रहे हो कि हमारे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये किसी के ऊपर दोष देना ये गलत बात है। आपको करना ही था तो आपको पता था कि ये फॉर्म हमारा कटने वाला है, ये फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, तो क्यों नहीं बाकी हमारे दलित समाज के, मैं तो, मेरा अधिकार नहीं कि दूसरे पक्ष ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा करना ही था, उनको ऐसा पता था कि ये वैलिडिटी कैंसिल होने वाली है, ये फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। तो फिर हमारे जो नेता थे, सम्माननीय नितिन राउत जी थे जो हमारे पुराने सहकारी थे, हमारे गजबीय जी थे जो हमारे पहले के सहकारी थे, उनका नाम डालना था तो लोगों को भी समझ में आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ सही हो रहा है। तो बिल्कुल, जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर थी रामटेक के चुनावी क्षेत्र पर, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में आपको आयात किया गया, ऐसे भी बोल रहे हैं, तो इन सब चर्चाओं पर आप किस तरह से पूर्ण विराम लगाने वाले हो? देखो, ये पहली घटना होगी जहां महाराष्ट्र में एक आमदार ने राजीनामा देके लोकसभा लड़ रहा है। मैं एजेंडे पे काम करने वाला आदमी हूं, जब तक के मैं उस पक्ष में था तो मैं विकास कामों पर ही भरोसा रखता था, लेकिन पिछले 1.5 सालों में मुझे जिस पद्धति ने महायुति ने मुझे मदद की, तो करीबन 3000 कोटी के काम मेरे विधानसभा में दिए हैं। तब से मैं ये जब सारी चीजें देख रहा था तो मुझे लगता था कि विकास यही लोग कर सकते हैं। अगर रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना है तो यह मोदी साहब के नेतृत्व में ही विकास होता हो सकता है, गडकरी साहब के नेतृत्व में ही यहाँ का विकास हो सकता है, हमारे मुख्यमंत्री जो है एकनाथ जी शिंदे साहब इनके नेतृत्व में ही विकास हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके नेतृत्व में ही विकास हो सकता है। और मैं विकास काम करने वाला आदमी हूँ, मैं विकास के साथ में गया। बिल्कुल, तो विकास कामों के लिए ही आपने कांग्रेस को, कांग्रेस से बगावत की, ऐसा कह सकते हैं? कांग्रेस छोड़ने की क्या जरूरत? नहीं, नहीं, बगावत इसे बोलते हैं, बगावत इसे बोलते हैं कि मैं कई प्रलोभन में गया। मैंने 4.5 साल मैंने आमदार की यहाँ की निभाई, 6 महीने बाकी थे तो मैंने रिजाइन दिया। मैं कोई सरकार में नहीं गया, मैं कोई मंत्री बनने के लिए नहीं गया। बगावत उसे बोलते हैं कि मैं सरकार में गया, मैं मंत्री बना, तो मैं उसके लिए नहीं गया। मैं मेरे क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं विकास करने वाला आदमी हूँ, यहाँ रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि मेरा जो एजेंडा है खाली विकास का एजेंडा है। तो मैंने चाहा कि मैं यहाँ रह के कोई विकास नहीं कर पाऊंगा, यहाँ आमदार बन जाऊंगा, लेकिन मेरा जो डेवलपमेंट का विजन है वो नहीं पूरा हो सकता था। और मेरे को आने वाले कितने साल तो भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये जो परिस्थिति देश में बनी है कांग्रेस की, उसमें कोई मुझे किसी के पास में एजेंडा नहीं दिख रहा है, किसी की सोच नहीं दिख रही। यहाँ तो किसी का कोई लेन देन नहीं, किसको खींचो इसको उतारो, यही भानगढ़ में सारे लोग पड़े हुए, इससे क्षेत्र का विकास नहीं होता है। इससे ना पक्ष का भी विकास कर रहे हैं, ना क्षेत्र का विकास की सोच है। जो सोच है हमारे नेता सम्माननीय पंतप्रधान मोदी साहब की सोच है, उनके पास में एक ही है कि मेरे देश का विकास, मेरे रामटेक का विकास, मैं उस सोच के साथ में गया हूँ। बिल्कुल, आपने विकास की बात कही है, रामटेक लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में पिछड़ा वर्ग भी है, तो ऐसे में आप इस वर्ग के लिए किस तरह से काम करने वाले हो, क्या एजेंडा है आपका? मैं एक है कि मैं हर
विधानसभा क्षेत्र का एक एजेंडा लेकर, तो रामटेक हो, हिंगना हो, काटोल हो, हमारा सावनेर हो, हमारा उमरेड हो, कामठी हो, यह क्षेत्र की जो जो बड़ी समस्या है, जो जो केंद्र की केंद्र से जो जो समस्या हल होने वाली है, उसी के एजेंड में काम करने, और हमारा गोसेखुर्द का विषय है, हमारे गोसेखुर्द में जो समस्या है जो पिछले कई सालों से चलते आ रही, तो उसका भी एक एजेंडा लेके हर क्षेत्र में जो जो एजेंडे है, हमारा मिहान का विषय हो तो वहाँ भी हमारा एम्स हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रामटेक क्षेत्र में आती है, तो हर क्षेत्र का एक एक जो एजेंडा है उसको मैं साथ में लेके चलने वाला हूँ। उसका निराकरण कैसा करना, क्योंकि मैं 4.5 साल करीबन यहाँ मैंने प्रक्रिया में बिताया है, मुझे पता है कि कहाँ कैसा करना चाहिए, किस पद्धति से अपने यानी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकता है, ये सारी गतिविधियों से मैं गुजर चुका हूँ, और मुझे पता है, मुझे खुद पे विश्वास है कि यहाँ के हर क्षेत्र का विकास, हर 6 विधानसभा क्षेत्र का विकास मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा हाल ही में अंबोरा का प्रोजेक्ट भी जो है वो संपूर्ण हुआ है, तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर किस तरह से पर्यटन बढ़ेगा और इसका जो फायदा है इस लोकसभा चुनाव में आपको हो सकता है? बिल्कुल, जो चीजें आपको एक उदाहरण है कि मेरे क्षेत्र में काम करते समय अंबोरा में मुझे किसने नहीं बोला था कि यहाँ कुछ करना चाहिए, एक सादा कागज भी मेरे को किसने नहीं दिया था, लेकिन मैंने जैसे पहले बोला कि एक विजन लेके काम करने वाला आदमी, जहाँ किसी ने मुझे पता नहीं यानी किसी ने मुझे बोला नहीं था, बोल रहे थे लोग कि हमको 10 लाख दो, हमको 50 लाख दो, मंदिर के लिए 1 कोटी दो, लेकिन ये सारी चीजों को छोड़ के मैंने जब एक विजन लिया कि मुझे यहाँ 250 कोटी 350 कोटी होना, तो एक झटके में मेरे को हमारे मुख्यमंत्री जी है एकनाथ जी शिंदे साहब हो, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने मेरे को एक झटके में पैसे दे दिए और 250 कोटी रुपए मंजूर किए, 100 कोटी जल पर्यटन के लिए मंजूर किए, ये सारी चीजें है जिसका विजन रहता है वही काम कर सकता है, हमारा रामटेक का गढ़ मंदिर, ये सारी चीजें लेके मैं अभी आगे जाने वाला हूँ। बिल्कुल, आपके प्रचार के लिए जो यहाँ पे है राज्य के खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आने वाले है, क्या बताओगे किस तरह से ये रणनीति रहने वाली है? रणनीति हमारे जो मुख्यमंत्री एक सर्व सामान्य आदमी के, मैं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जिसको लास्ट का आदमी, जिसको गरज है उसका एक मुख्यमंत्री बन, जो आदमी पहचानता है, जिसे आदमी की जान है, वो एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, उसे उनको लगता है कि अपना जो सहकारी है उसके लिए वो मदद करे और जी जान से मदद कर रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनका यहाँ जो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ उनके नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो मुझे सहयोग करेंगे। बिल्कुल, शिवसेना जो है पिछले कुछ दशक से शिवसेना का गढ़ रामटेक माना जा रहा है, ऐसे में आपको आयात किया गया है ऐसा भी कहा जा रहा है, क्यों जरूरत पड़ी कि आपको आयात करना पड़ा यहाँ से, मतलब कोई चेहरा नहीं था ऐसा भी मतलब ये चर्चा है जो है ये जनता में है, तो इसे आप कैसा जवाब दोगे? नहीं नहीं, मुझे ऐसा था, मेरा एक विजन बहुत पहले था, 10 साल पहले भी मैंने रामटेक लोकसभा लड़ने की इच्छा मेरी थी, ये किसी ने आयात करने की बात ही नहीं है, मेरी इच्छा थी कि मैं रामटेक लोकसभा चुनाव लड़ू, लेकिन मुझे था कि जो विकास कर सकते उसके साथ में गया। बिल्कुल, आपके प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी भी यहाँ आने वाले है, ऐसे में प्रचार होने वाला है आपका, कन्हान में ये सभा होने वाली है, नरेंद्र मोदी खुद वो आपके प्रचार के लिए आ रहे हो, आप शिंदे गुट से प्रत्याशी हो, महायुति के उम्मीदवार हो, तो क्या बताओगे? ये हमारा सौभाग्य है कि ये देश के लोकप्रिय पंतप्रधान मोदी साहब हमारे रामटेक निर्वाचन क्षेत्र में आ रहे, इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है कि एक देश का जहाँ जिनका नाम विश्व में है वो हमारे प्रचार के लिए आ रहे, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती, और वो आने के बाद में एकंदरी जो वातावरण है और से एक बार पॉजिटिव होने वाला है। बिल्कुल, आपने आपके जो विधानसभा का कार्यकाल था, विधायक का कार्यकाल था, इस दौरान बहुत से कार्य किए हैं, जनता के मुंह पर वो कार्य है, लेकिन ऐसे कौन से कार्य है जो कि आपको आपके लोकसभा क्षेत्र में करना है, क्या एजेंडा है आपका? बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला कि जैसा मैंने मेरा एक भलाई उसको 350 कोटी मिले, लेकिन मेरा अंबोरा जो किसी के ध्यान में नहीं था कि अंबोरा ऐसा बनेगा, कल चल के एक देश का एकमात्र ऐसा स्थल बनने जा रहा है जो लोग विदेशी पर्यटक के आएंगे, तो एक विजन लेके ही काम करते हो, वैसा ही मेरा रामटेक हो, बाकी हिंगना हो, हमारा काटोल है, काटोल में MIDC का विषय है, उस दिन ही हमारे सावन साहब आए जो बहुत सालों से पेंडिंग था, काटोल का विषय मैंने देखा, हमारे सावनेर में माइल का विषय हो, हमारे WCL वहाँ, जो जो हमारे जहाँ जहाँ के विषय है, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूशन के विषय है उसको मैं सेंटर से जो भी हमारी योजना है, सेंटर के जो भी हमारे वहाँ से योजना हम ला सकते हैं, सेंटर के जो भी पेंडिंग काम है
वो सारे इश्यूज साल करने वाला मैं आने वाले दिनों में करने वाला हूँ। बिल्कुल, पिछले जो चुनाव थे वो आपने कांग्रेस के साथ लड़े हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े हैं, आज वो आपने आपके प्रतिस्पर्धी है, ऐसे में आपको उनके विरोध में यहाँ पर प्रचार करना है, आपका जो है काम बताना है जनता के लिए, तो इस समय आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, मेरे हमारे जो भी सहकारी है, मैं अभी महायुति का उम्मीदवार हूँ, मुझे सम्माननीय इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुझे टिकट दी है, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुझे टिकट दी है। मैं मेरी जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि पहली बार एक आम आदमी यहाँ से लोकसभा लड़ने जा रहा है, जिसकी राजकीय कोई पार्श्वभूमि नहीं थी, जिसका कोई घराना राजकारणी नहीं था, लेकिन पहली बार मुझे संधि मिली है और जिस पद्धति से 4.5 साल मेरे कार्यकाल में मैंने काम किया, गोर गरीब जनता के साथ में रह के काम किया, कितने बच्चियों की मैंने शादी लगा दी, कितने बच्चे मेरे जिसको मैंने दत्तक लिया, कि आम आदमी हूँ, कोई भी आता है, कोई भी मिलता है, सुबह से 7 बजे से रात में जहाँ रहता हूँ मैं, तो वहाँ इतने लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्या सुना यानी मुझे बताते हैं और समस्या का निराकरण तुरंत तुरंत करना एक मेरा स्वभाव है। उसी पद्धति से रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हर गांव में, हर शहर में मैं काम करने वाला हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। अब तो देखना ये होगा कि चुनाव के बाद जो 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, तब पता चलेगा कि रामटेक का उत्तराधिकारी कौन होगा, रामटेक का गढ़ जो है कौन अपने पास रखने वाला है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की इसके लिए। आज के चुनावी महासंग्राम 2024 में वक्त चला यह रुकने का, आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।